नमस्कार, मैं हूं यशी शर्मा और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज़। उत्तराखंड की भर्तियों में धांधली और यूके एसएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में आज कोटद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष अरविंद वर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में दलालों की वजह से योग्य छात्र अयोग्य होते जा रहे हैं। देखिए, जो उत्तराखंड में ये जो चयन सेवा आयोग है उसमें जो धांधली मची पड़ी है, जो योग्य पात्र है इन जो दलाल हैं इनके कारण वो अयोग्य हो जा रहा है, और जो अयोग्य है इन दलालों के कारण वो योग्य बन जा रहा है, नौकरी पा जा रहा है। तो उसी क्रम में हमने आज माननीय तहसीलदार महोदय को और SDM महोदय को ज्ञापन दिया माननीय महामहिम राष्ट्रपति साहब के लिए, और हम चाहते हैं कि जो ये इस तरीके के दलाल हैं जिन्होंने जो योग्य पात्र है उन्हें अयोग्य कर दिया, तो कम से कम इनकी ED से जांच होनी चाहिए और ED इनको देखेगी इन्होंने कितनी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति इस दलाली में कमा ली है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कहें दे कि इन्हीं के जो सदस्य हैं और इनकी पार्टी के वो मेम्बर हैं जिससे मोहकम सिंह जो कि हाकम सिंह जो कि उसके द्वारा पहले वो एक चालक था, उसके बाद में वो राजनीति में आया और अब वो पंचायत सदस्य बना और उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है।